ओरियो कुकी एंड क्रीम बनाने के लिए हमने सबसे पहले व्हिप्ड क्रीम लिया है जो कि बहुत चिल्ड होना चाहिए और उसे हमें बीट करना है। बीट हमें इतने देर तक करना है कि इसके सॉफ्ट पीक्स दिखाई देने लगे। ये सॉफ्ट पीक्स दिखने के बाद हम इसमें मिल्कमेड और वेनिला एसेंस को डालेंगे। मिल्कमेड यहाँ पे मैंने नेस्ले का यूज किया है और कुछ ड्रॉप्स वेनिला एसेंस, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जो बैटर है हमें इसको 2 to 3 hours फ्रीज करना है हमारे रेफ्रिजरेटर में। तो इसे हम फ्रीज करने रख देते हैं, और तब तक हमने ओरियो बिस्किट लिया है जिसका हम सबसे पहले हाफ पैकेट का इसका क्रीम निकाल लेंगे और सिर्फ बिस्किट्स का मिक्सचर में हम पाउडर बना लेंगे। अब ये पाउडर हमने हमारे बोल में लिया है जिसमें हम हमारा आइसक्रीम सेट करने वाले हैं। तो इसमें हम पहले बटर डालेंगे, उसे अच्छे से मिला लेंगे और हमारा ये कोटिंग बनेगा जो हमारा एंड में रहेगा आइसक्रीम की। ये बस एक डेकोरेशन पर्पस के लिए है, ये स्टेप आप स्किप भी कर सकते हैं। इसे अच्छे से सेट होने के बाद हम बाकी हाफ पैकेट जो ओरियो बिस्किट है वो हम लेंगे और उसे बस एक बार या बस एक सेकेंड या दो सेकेंड के लिए मिक्सचर में से घुमा लेंगे, या फिर आप हाथ से बने हुए टुकड़े भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने इसको एक बार मिक्सचर में से घुमाया और फिर ये कुछ इस तरह दिखाई देने लगा। अब ये हम हमारा फ्रीज किया हुआ जो बैटर था आइसक्रीम का उसे हमने निकाला। ये देखिए ये हाफ फ्रीज्ड है, ये बिल्कुल कंसिस्टेंसी इसकी ऐसी रहनी चाहिए। देन हम इसमें हमारा जो मिक्सचर है ओरियो का वो पाउडर्ड क्रम्स हम इसमें मिक्स कर देंगे। मैंने यहाँ चॉकलेट ओरियो यूज़ किया है, आप दूसरा ओरियो भी यूज़ कर सकते हैं। इसे मिक्स करने के बाद ये कुछ ऐसे दिखाई देगा। देन हम इसको हमारे बोल में पोर कर देंगे। अच्छे से इवनली सेट करने के लिए आप टैप कर सकते हैं इसको, और ये हमें अच्छे से कवर्ड करके फिर फ्रिज में एटलीस्ट 8 to 9 hours रखना है ताकि ये अच्छे से फ्रीज हो जाए, या आप तब तक रख सकते हैं जब तक वो अच्छे से फ्रीज नहीं होता। फ्रीज हो जाने के बाद आप इसको निकाल के सर्व कर सकते हैं। मैंने इसको 8 hours के बाद ही निकाल दिया था तो ये बहुत अच्छे से फ्रीज नहीं हुआ था, बट आफ्टर 1 day इसका टेस्ट कुछ ज़्यादा अच्छा लग रहा था कंपेयर टू आफ्टर 8 hours। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एटलीस्ट 1 day बिफोर इसको प्रिपेयर करके रखेंगे तो बेटर रहेगा। अब ये हमारा आइसक्रीम रेडी हो चुका है।